ईश्वर का स्वरूप संत मत का एक मुख्य विषय है। ईश्वर के स्वरूप को बुद्धि में समझने के लिए, केवल बुद्धि में समझने के लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। अपने को एकाग्र में रख करके जब बहुत बार एक ही बात को सुनती है, सुनते सुनते कुछ कुछ दिमाग में बात अटने लगती है। बहुत समझने के बाद, बहुत सुनने के बाद तब कुछ कुछ दिमाग में अटके, सही में इसका स्वरूप ऐसा होगा। अगर ख्याल बढ़ता रहेगा, सुनेंगे लेकिन बुद्धि में अटेगी नहीं बात। अभी सम्मान्य सत्य प्रकाश बाबा बोले कुछ बाबा नहीं आएंगे, हम आए हैं लेकिन मंच पर अभी नहीं आएंगे, अपहरण काल में मंच पर आएंगे। ऐसे साथ साथ बोले कम से कम 15 मिनट और बोलिए, 15 मिनट आप बोलिए। वैसे तो मैं 10 बजे अभी समाप्त करता हूँ, अब 15 मिनट हम बोलेंगे। इतने समय तो आप लोग शांत भाव से बैठे रहिएगा। पहले का जो कहने का मूड था वो तो खत्म हो गया, अब फिर बना के बोलता हूँ। जाइए, इसे हम लोगों का वासा है स्कूल में, तो दोनों बगल बस्ती है, आगे में सड़क भी है, हलचल जगह है। पहले के लोग स्कूल बनाते थे जंगल में, वहाँ जो गुरुजी होते थे पढ़ाने वाले, जो विद्यार्थी जाता था पढ़ने के लिए, सारी व्यवस्था करती थी, रहने का, खाने का, आराम करने का, सब कुछ सारी व्यवस्था। ऐसे साथ साथ है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों देती थी। भौतिक ज्ञान में यह है ऐसे यह काम करना है, ऐसे यह काम करना है, यह नौकरी करनी है, इसके लिए यह पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसे खेती करनी पड़ेगी आदि आदि। आध्यात्मिक ज्ञान में सृष्टिकर्ता है, इस सब की निगरानी करती हैं, सब जगह देखती रहती हैं, कौन क्या करते हैं देखते हैं, क्या बोलते हैं सुनते हैं, उसी का अभिन्न अंश जीव है आदि आदि। ये हो गए अध्यात्म ज्ञान। जो गुरुजी पढ़ाते थे उनके पास 300 विद्यार्थी था, और 300 विद्यार्थियों को समानता के साथ अध्यात्म ज्ञान भौतिक ज्ञान देती थी। गुरुजी के मन हुआ भौतिक ज्ञान की तो मैं लिखित परीक्षा ले चुका, इसमें जो पास फेल करे कॉपी पीछे देखूंगा, अध्यात्म ज्ञान दिया इसकी परीक्षा कैसी लें। तो क्या किए गुरु जी, क्या किए, कुछ पक्का केला खाने केला मंगा लिए, तीनों से विद्यार्थियों को बुलाए, सामने बुलाए, कहा सुनो एक एक केला मैं तुम लोगों को दूंगा, एक एक केला, मेरी आज्ञा है केला खाना है तुम लोगों को, लेकिन कोई देखे नहीं,
या मेरी आज्ञा है, कोई देखे नहीं। जंगल में हम लोग रहते ही हैं और जंगल लोग चले जाओ, एक जगह मत रहना, कोई देखे नहीं, छिप के केला खा लेना। आगे में स्कूल के आगे में झरना था, पानी बह रहा था, उस पानी में कुल्ला कर लेना, तब मेरे पास आना, इसके बाद और पढ़ाऊंगा। कह करके सब केला बांट दिए, एक केला दे दिए। कोई विद्यार्थी पूरब गया, कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया, कोई दक्षिण गया, अलग अलग हो गया। केला सब ने खाया, चिपचिप केला खा लिया। और गुरु जी गेट पर खड़ी है, एक विद्यार्थी आया, झरना में हाथ धोया, कुल्ला चमन किया, आया गुरु जी के पास। गुरु जी पूछती हैं, केला खाया? हाँ, कुल्ला केला खा लिया। कोई देखा भी नहीं? कोई नहीं देखा, चलो बैठो। दूसरा विद्यार्थी आया, केला खाया? हाँ, खा लिए। कोई देखा भी? कोई नहीं देखा, चलो बैठो। जो विद्यार्थी, अब यही एक बात पूछे, केला खाया? तो हाँ खाया। इधर कहने पर हाँ खाया। कोई देखा भी? तो नहीं, कोई नहीं देखा, चलो बैठो। करीब सब विद्यार्थी आ गया। तब गुरु जी ने विद्यार्थी से कहा, गिनती करो कितना विद्यार्थी आया है। विद्यार्थी खड़े होकर गिनती करने लग गए। गुरुदेव, 299 विद्यार्थी आ गया है हमको लेकर के। 299 विद्यार्थी है, कितना घट गया? एक घटा है। 300 था, एक घट गया है। देखो कौन है आया है, फलाना विद्यार्थी नहीं आया है, आशा उसको आना है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। सब विद्यार्थी बैठा हुआ है, गुरुजी गेट पर खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद तब एक विद्यार्थी आया, हाथ में केला उसको था। गुरुजी ने कहा, इतना विलंब से आया, केला खाए नहीं, किधर गया था? तो कहीं सोना जगह नहीं मिला? डांट के कहने लग गए, किधर गया था? क्या तुमको सोना जगह नहीं मिला? क्यों नहीं केला खाया? इस विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव आप हमको शिक्षा दी हैं, ईश्वर सब जगह है, इस सब के कार्यकलाप को देखती हैं, सुनती हैं। मैंने विचार किया, गुरु जी हमको यह शिक्षा दिए हैं और आज्ञा यह दिए हैं, केला छिपके खाना, कोई देखिए नहीं, भले कोई नहीं देखे, पशु पक्षी भी नहीं देखे, लेकिन ईश्वर तो को देख ही लेंगे, केला खाया है, इसीलिए मैं केला नहीं खाया। गुरु जी उसका पिट्ठो की बाहर बैठो, तुम पास कर लिया। 300 विद्यार्थी में एक विद्यार्थी पास किया, क्यों? अध्यात्म ज्ञान और संवेदक सुना था, सुना तो सब था, लेकिन जितनी तरीका से एक ने सुना था, समझा था, और नहीं सुना था। 301 विद्यार्थी पास किया। यह पृथ्वी कहां पर है? इतनी बड़ी पृथ्वी कहां पर है? सब लोग प्राय कह देंगे, कैसे शंकर जानते हैं, यह पृथ्वी जितनी भी चीजें हैं सब के सब इस आकाश में है। सूर्य कहां पर है? इसी आकाश में है। चंद्रमा कहां पर है? इसी आकाश में है। तारे कहां हैं? आकाश में हैं। सारी चीजें, सृष्टि की सारी चीजें आकाश में है, और आकाश सारी चीजों में व्यापक है, घुसा हुआ है। यह पृथ्वी आकाश में और आकाश पृथ्वी में, सूर्य आकाश में, आकाश सूर्य में, तारेगण आकाश में, आकाश तारेगणों में, ठीक इसी तरह से सारी वस्तु में परमात्मा है, सारी वस्तु परमात्मा में है, ओतप्रोत कहीं खाली नहीं है।
तो जो ऐसी परमात्मा है उनके लिए महापुरुषों का कहना है वे सामान्य चेतन और विशेष चेतन में ही व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कितने बारीक हुए हैं तब आपके सामान्य चेतन क्या हुआ, व्यापक चेतन क्या हो गया? जो चेतन सर्वत्र हैं ये हो गए सामान्य चेतन। विशेष चेतन किसको कहा गया? मन संकल्प विकल्प करता है, मन सूक्ष्म जड़ है, किसी शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है। चेतन की शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है, चेतन शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है। जिस शक्ति से मन संकल्प विकल्प करता है उस शक्ति में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखी है। इतने भी बारीक हैं और ये सबसे पहले के हैं, उनके पहले कुछ भी नहीं। जो सबसे पहले के हैं जिसके पहले कुछ भी नहीं उसको कोई वाणी के द्वारा कह नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे हैं कह नहीं सकते हैं। जो कुछ कहा जाए तो परमात्मा सबसे पहले के हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसा हुए नहीं है। जस कहते तो सो होते नहीं, जिस हम कहते वैसा नहीं है। इसी को गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है। क्या कहा गोरखनाथ जी महाराज ने? बस्ती न सुन्नंग सुन्नंग न बस्ती अगम अगोचर ऐसा। अगम अगोचर कैसा है? तो न उसको बस्ती कह सकती हैं, न सुन्न कह सकती। क्या कहेंगे? वाणी का विषय नहीं है। तो जो वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी द्वारा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए अगर कोई बुद्धि के द्वारा समझ लेंगे सही में सृष्टि करता है, ठीक ठीक बुद्धि में अटार के समझ लेंगे परमात्मा सही में है, जान लेंगे सही में परमात्मा है, उनके लिए यह ऋषि वाक्य सार्थक हो जाएगा। क्या ऋषि वाक्य सार्थक हो जाएगा? चेद वेदी दत्त सत मस्ति न चेदिया वेदीन महति विनिष्टि भूतेश भूतेश विच धीरा प्रत्यास मालोकात्मृता भवंती। यदि इस जन्म भ्रम को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। यदि जन्म भ्रम को जान लिया तब तो ठीक है। ठीक से क्या मतलब हो गया? कोई भी हो, अगर कोई बुद्धि तो जान ले सही परमात्मा है और सब में सबसे बाहर है, अब उनका जो शरीर शांत होगा फिर पुनः आगे सबसे धारण के लिए जीवा और शरीर धारण के लिए जीवात्मा उसको मनुष्य मिलेगा, यही ठीक है। अगर कोई बुद्धि द्वारा नहीं जान सके, शरीर शांत हो गया तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी, हानि यही मनुष्य उसको नहीं मिलेगा। इसी के लिए महापुरुष प्रयास किया है कम से कम बुद्धि लोग समझे सही सृष्टि करता है और सबसे पहले के हैं, सब में और सबसे बाहर हैं। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए संत सुंदरदास जी महाराज, इनके मन में हुआ कम से कम संसार के जितने भी प्राणी जितने मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा है पुनः मनुष्य इसको मिले, इसलिए मैं ईश्वर स्वरूप को कहूँगा। फिर मन में सोचे परमात्मा तो वाणी का विषय है ही नहीं, मैं वाणी के द्वारा कहूँगा वे ऐसे ऐसे हैं, कहने में ला जाते क्या कहेंगे? जो कुछ कहें वाणी के द्वारा हो जाएगा, मुख के द्वारा कहें हम बोलेंगे। पहले लाचारी प्रकट की और फिर हिम्मत करके नहीं हम कहेंगे इसे उसको मनुष्य मिली। लाचारी प्रकट उन्होंने क्या की पहले? क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही ल जाइए।
क्या कहिए, कहते न बने कुछ, कहने में आता है, कहने लाज आती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर को समझ जाएंगे मनुष्यति मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं। आगे इन्होंने क्या कहा संसार लोगों से, व्योम को व्योम अनंत या खंडित आदि न अंत सुमद कहा है, को परमान कराय परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहां है। क्या कहा इन्होंने, व्योम को व्योम परमात्मा का परमात्मा स्वरूप कैसा है, व्योम को व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश। प्राय लोग यह समझ बैठे एक ही काश है जिसके अंदर में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पृथ्वी आदि आदि, लेकिन ऐसी बात नहीं है, विशिष्ट सृष्टि है। नानक साहब ने कहा लख लख आकाश, लख लख पाताल, लाख आकाश हो ऐसे विश्व आकाश हो, सभी आकाशों को आकाश देने वाले परमात्मा है, सभी आकाशों परमात्मा व्याप होकर अपना मतलब बाहर रखी हैं। व्योम को व्योम अनंत, उनका अंत नहीं है, परमात्मा तीन नहीं होती हैं। गुरुदेव की वाणी में है अनादि अनंत प्रभु निर अवयव विभु अक्षय अजय अति सघन रहाई। अनादि अनंत प्रभु परमात्मा आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं, तीन माया में होती है, जो तीन से रहित है वो एक शक्ति है। एक मुनि बालक थी, उनका नाम था श्वेत की, पिताजी के पास गए, प्रणाम की, कहा पिताजी ब्रह्म का सही स्वरूप को बता दीजिए, ठीक ठीक हमको बुद्धि में हटा दीजिए कि ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है। उनका बेटा ठीक है, मैं बुद्धि में हटा दूंगा ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, वह काम यह है, सामने देख लो बट वृक्ष है, हाँ पिताजी जाओ एक फल तोड़ के ले जाओ, मैं बता दूंगा ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है। श्वेत केतु गए वृक्ष के पास, जिस आज्ञा हुई थी एक फल तोड़ के ले आया, पिताजी ले आया, ठीक है इसको तोड़ो, तोड़ दी, क्या देखते हो पूरा बीज भरा हुआ है, एक फांक को फेंक दो, फेंक दिए, अब क्या देखते हो एक फांक है, और क्या देखते हो पूरा बीज भरा हुआ है, एक बीज निकाल चुटकी से, एक बीज निकाल दिए, कमा के फेंक दो, फेंक दिए, तुम्हारे हाथ में क्या है बटका, एक बीज है, ठीक है अस बीज को तोड़ो, रगड़ चुटकी रगड़ रगड़ के चुटकी रगड़ तोड़ दिए, अब क्या देखते हो पिताजी का दो दाल आ गया, अब ठीक है दो दाल आ गया, आप दोनों दाल को अलग मिट्टी में गाड़ोगे वृक्ष होगा, कहते अब नहीं होगा, अब गाड़ेंगे वो सड़ जाएगा, अगर सटा रहता तब तब वृक्ष हो जाता, अब तुम ही बता दो दाल के बीच में क्या है जिसे वृक्ष होता। श्वेतकेतु की तुमने कहा पिताजी दो दाल के बीच में कुछ भी नहीं है, कहा जिसको तुम कुछ नहीं कहते हो वही सब कुछ है, उसी सारी सृष्टि बनी है, समझा यही ब्रह्म का सही स्वरूप है, जो कुछ न वही सब कुछ है, यही ब्रह्म का सही स्वरूप है, समझ गया, हाँ समझ गया, तो वह एक शक्ति है, उसी शक्ति से सारी सृष्टि बनी है, अगर शक्ति में कोई अपने को मिलाना चाहती है इसके लिए महापुरुषों कहना है वह इसके लिए अंत साधना करके अपने को तीन वस्तु पर ही जाना पड़ेगा, तब सही भक्ति होगी, तब इतना छूटेगी, तब का सही सही ज्ञान हो जाएगा। यही आप संसार से रखा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।